सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद, और पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा है कि ईश्वर के गुणों का उपसंहार व्यतिहार जैसे कर रहे थे पिछले प्रकरण में, ऐसे ही उपासना कर्मों का भी, उपासना की जो विधि है, कर्म हैं जो, उनका भी उपसंहार और व्यतिहार किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा था मंत्रादिवत अविरोध, जैसे यज्ञ कर्म में भिन्न भिन्न शाखा वाले मंत्रों का अविरोध है, ऐसे ही भिन्न भिन्न कर्मों का भी अविरोध ही मानना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने ये दो प्रमाण दिए, मंत्र है ऋग्वेद का और इससे कर्म कर रहे हैं अध्वर्यु, और ये कर्म कर रहे हैं तैतिरीय संहिता का जो कर्म है, अर्थात जो यजुर्वेद की शाखा है उसके साथ उसका विनियोग किया गया है। तो यदि कर्म विधि में उपसंहार व्यतिहार यदि नहीं होता तो यहाँ पर ऋग्वेद के ऋचा से यजुर्वेद में विनियोग, यजुर्वेद की शाखा के साथ विनियोग नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो रहा है। ऐसे ही आगे प्रयाज शब्द जिन शाखा वालों के यहाँ नहीं पढ़ा गया है, मैत्रायणी संहिता वालों के यहाँ, वो भी प्रयाज के समान ही गुण विधि कर रहे हैं। ऋतवो वही प्रयाजः, ये जो ऋतु हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भी पांच प्रकार का प्रयाज ही है। समानम अत्र होतव्या, तो ऐसे ही यहाँ पर आहुति देनी चाहिए। इति तथैव अत्र अपि एवमेव विज्ञेयम् नहि विरोधो भवति। लेकिन ये कह रहे हैं अंग अंग की उपासना कर लेनी चाहिए, और उन उन अंगों में कहीं आवश्यकता है तो उपसंहार व्यतिहार भी कर लेना चाहिए, वो सब न्यायोचित है, वो सब ठीक माना जाएगा। लेकिन वैश्वानर उपासनायाम न अंग उपासना कार्या, लेकिन वैश्वानर की उपासना करनी है तो आपको फिर अंग उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैश्वानर शब्द ही अपने आप में क्या कह रहा है, संपूर्ण का द्योतक है। तो वहां पर अंगीन एव इति वर्ण्यते, वहां तो अंगी की ही उपासना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो सूत्र बोलिए, भूमन कृतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति। भूमन जायस्त्वं क्रतुवत्, कह रहे हैं भूमा की उपासना जब करनी है, भूमनः उस भूमा की उपासना में तो जायस्त्वं, जायस्त्वं माने ज्येष्ठत्व या श्रेष्ठत्व, तब आता है जब पूरे की संपूर्ण की उपासना करें। कैसे, क्रतुवत्, क्रतु कहते हैं दर्श पूर्णमास सहित जब याग किया जाता है तो वो क्रतु होता है, फिर उसकी संज्ञा क्रतु होती है। तो जैसे अपने यहाँ सामान्य यज्ञ करते हैं तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना ये प्रकृति है ना, ये सब में की ही जाएगी, अग्न्याधान पंचघृताहुति तो ये सब में की ही जाती है। ऐसे ही दर्श पूर्णमास सभी यागों की मूल प्रकृति है, पहले दर्श पूर्णमास यज्ञ किया जाएगा, उसके बाद फिर साम सोमयाग या अश्वमेध जो भी बड़े याग हैं वो तब किए जाएंगे। तो
तो वो याग पूरे तब होंगे जब पहले दर्श पूर्ण मास आदि कर लिया हो, माने दर्श पूर्ण मास सहित जो याग किया जाता है तब वो वैश्वानर बनेगा, वैश्वानर पूजा बनेगी, संपूर्ण उसका फल तब मिलेगा। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, भूम्न जायस्त्वम् क्रतुवत्। भूमा की उपासना में जायस्त्व होना चाहिए, माने संपूर्णता होनी चाहिए, वो ही ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व है, भूमा की पूजा ही। कैसे? क्रतुवत्, दर्श पूर्ण मास आदि के समान, तथा ही दर्शयति, वैसा ही श्रुति भी दर्शा रही है, श्रुति भी वही कह रही है। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे भूम्नः तदंग भूतस्य अल्पस्य च उपासना खलु एवं खलु एव एकेन एव नामना लक्ष्यते। कह रहे कुछ ग्रंथों में भूम्नः भूमा की और तद अंग भूतस्य अल्पस्य च, और उस भूमा के जो अंग भूत हैं अल्प, उसकी उपासना भी एकेन एव नामना लक्ष्यते, एक ही नाम से कही गई है। जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, औपमन्यवः कं त्वं आत्मानं उपास्ये इति। तो ये जो है ना, ये छांदोग्य उपनिषद का वर्णन है, जहाँ पर जो राजा हैं कैकेयी राज अश्वपति, तो वो उस समय वैश्वानर की उपासना कर रहे थे। तो किसी ने उनको बताया, जो साधक थे, कि भाई आजकल तो वैश्वानर विद्या तो केवल अश्वपति के पास है, तो तुम्हें वो सीखनी है तो उनके पास जाओ। फिर वो उनके पास गई कि हम तो आपके पास वैश्वानर विद्या सीखने आई हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम क्या जानते हो, तुम उस ब्रह्म की किस रूप में पूजा करते हो। तो वो चार पांच जने हैं, पांच जने हैं शायद, तो वो एक एक बताते हैं कि हम तो द्युलोक की पूजा करते हैं, हम तो वायु की पूजा करते हैं, हम तो पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम तो इस प्राण को ही ब्रह्म समझ करके पूजा करते हैं। तो फिर वो कहते हैं, भाई तुम तो एक एक अंग की पूजा कर रहे हो, तो ये तो द्युलोक तो उसके धड़के समान है, तो तुम तो केवल धड़ की पूजा कर रहे हो, और ये प्राण तो केवल, ये वायु तो केवल उसके प्राण की तरह है, तो तुम केवल प्राण की पूजा कर रहे हो, और तुम्हें करना क्या चाहिए, संपूर्ण वैश्वानर की पूजा करनी चाहिए, उसके आंख नाक कान की पूजा नहीं करनी चाहिए, एक एक अंग की। तो ये उसका वर्णन है। तो वहां पर उपमन्यु नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने इनसे प्रश्न पूछा वैश्वानर उपासना के बारे में। तो राजा अश्वपति उनसे पूछ रहे हैं, औपमन्यवः कं त्वं आत्मानं, सॉरी कं त्वं, हाँ, आत्मानं उपास्ये इति। आप कौन से उस परमात्मा की उपासना करते हो। यहाँ आत्मानं का मतलब है परमात्मानं, ब्रह्मा। आप किस रूप में उस ब्रह्म की पूजा कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं, दिवमेव भगवो राजन इति होवाच, हे राजन, मैं तो इस द्युलोक की पूजा कर रहा हूं, जो ये सूर्य दिखाई दे रहा है केवल इसी की पूजा करता हूं, मैं तो इसी को ब्रह्म समझ के। एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानर यम त्वम आत्मानम उपास्से। तो कह रहे हैं कि जिसकी आप उपासना कर रहे हो, एष वै सुतेजा आत्मा, ये तो उस वैश्वानर का सुतेज स्वरूप है। आत्मा का मतलब है यहाँ पर स्वरूप, तेज वाला है ये, तो उसका तेजस्वी स्वरूप है ये। यम त्वम आत्मानम उपास्य, जिस ब्रह्म की आप उपासना कर रहे हो, ये तो उस ब्रह्म का तेजस्वी रूप है, इसको कहते हैं सुतेजा। इति अंगभूतस्य अल्पस्य वैश्वानरस्य उपासना, ये भी वैश्वानर उपासना है, लेकिन ये उस अंगभूत अल्प वैश्वानर की उपासना है, संपूर्ण की उपासना नहीं है। तस्य हवा एतस्य आत्मन वैश्वानरस्य मूर्धा एव। कह रहे हैं ये तो वो जो वैश्वानर आत्मा है, ब्रह्म है, उसकी मूर्धा एव, सुतेजा, सुतेजा नाम की उसकी ये मूर्धा है। चक्षुः विश्वरूपः प्राणः पृथग् वर्त्मा आत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रई पृथ्वीएव पादौ। तो यहाँ इन्होंने एक एक के प्रश्न न लेकर के प्रश्न एक का लिया, उत्तर सबका दे रहे हैं। तो उन्होंने एक एक रूप की उपासना करते थे, जो उसका उन्होंने नाम लिया, तो ये उनका उत्तर दे रहे हैं।
बोले ये जो उपमन्यु नाम के व्यक्ति जो इस द्युलोक की पूजा कर रहे हैं, तो ये तो सुतेजा नाम का उसकी मूर्धा है। तो मूर्धा एवं सुतेजा चक्षु विश्व रूप, तो ये उसका क्या है, चक्षु की जो उपासना कर रहा है, सॉरी ये तो उसकी मूर्धा है, सुतेजा चक्षु विश्व रूप, और ये उसका चक्षु भी है। और प्राण पृथग्वर्त्मा, और जो प्राण की पूजा कर रहा है वो क्या, किसकी पूजा कर रहा है, वायु की, मतलब जो वायु को ब्रह्म समझ करके पूजा कर रहा है, तो वो तो इस वैश्वानर का प्राण जैसे है, मानो प्राण की पूजा कर रहा है। और संदेहो बहुलो, तीसरे ने कहा था कि मैं तो इस आकाश को ही ब्रह्म समझ करके इसकी पूजा करता हूँ, ये जो आकाश है कितना विराट है ये, तो मैं विराट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोले ये जो आकाश है ये तो संदेह, उस वैश्वानर का धड़ है, संदेह माने धड़। बस्ती रेवा रही ही, और चौथे ने कहा था कि भी मैं तो इस समुद्र को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता हूँ, रही ही जल समुद्र, तो बोले ये समुद्र तो उसका बस्ती प्रदेश जैसे है, तो आप तो एक अंग की उपासना कर रहे हो। फिर पांचवें ने कहा था कि मैं तो इस पृथ्वी की ही ब्रह्म समझ करके उपासना कर रहा हूं, तो कहा पृथ्वी एवं पादौ, पृथ्वी तो उसके पैर हैं, तो आप तो एक अंग की उपासना कर रहे हो। इति अंगिनो महद्भूतस्य वैश्वानरस्य उपासना, तो तुम एक एक अंग की उपासना ना करके इन इन अंग वाले इस संपूर्ण वैश्वानर की उपासना करो। इति अंगिनो महत्भूतस्य, ये सारे अंग मिलाकर के क्या बन जाएगा, अंगी, और वो अंगी कैसा हो जाएगा, महत रूप वाला, महत महद्भूतस्य, इति अंगिनो महद्भूतस्य वैश्वानरस्य उपासना, इन सब को मिलाकर के जब आप, क्योंकि एक दूसरे को, एक दूसरे की उपासना में यहां पर क्या करना पड़ेगा, उपसंहार व्यतिहार करना पड़ेगा, तो आप उसको करके और उस महत स्वरूप वैश्वानर की उपासना करो, ये तब उपासना संपूर्ण होगी। तत्र उभय अत्र अंगिनो भूमनो वैश्वानरस्य जायस्त्वम बलवत्त्वम उपासनायाम प्रमाणत्वम विज्ञेयम् क्रतुवत्। तो कह रहे हैं तत्र उभयत्र, तो यहां छांदोग्य उपनिषद में दोनों ही जगह हैं, भूमनो वैश्वानरस्य ज्यायस्त्वम, जो भूमा नाम का वैश्वानर है उसका यहाँ पर ज्यायस्त्वम श्रेष्ठत्व दिखाया गया है इस कथा के माध्यम से। यद्यपि ये एक एक अंग की पूजा कर रहे थे, उसमें दोष कुछ भी नहीं है, उतना तो फल मिलेगा उसको, पर जब उनके पास गए कि भाई पहले तुम बताओ कितना जानते हो, तो उन्होंने उनकी उपासना पद्धति में थोड़ा दोष देखते हुए श्रेष्ठत्व किस में बताया, संपूर्ण की पूजा में बताया। तो कर तो दोनों वैश्वानर की पूजा रहे थे, वो अंग भूत की कर रहे थे, इन्होंने अंगी भूत की बताया। तो दोनों ही जगह तत्र उभयत्र अंगी न भूमन वैश्वानरस्य ज्यायस्त्वम, दोनों ही जगह जो अंगी वैश्वानर है उसको ही ज्येष्ठत्व या श्रेष्ठत्व माना है, क्योंकि वो भी एक एक अंग की उपासना करके पूर्ण तृप्त नहीं थे, इसीलिए तो उसके पास गए। तो यदि वो खुद अपनी एक अंग की पूजा को ही ज्येष्ठत्व या श्रेष्ठत्व के रूप में स्वीकार करते तो नहीं जाते फिर, तो दोनों ही उसी को ही स्वीकार करते हैं। बलवत्त्वम उपासनायाम प्रमाणत्वम विज्ञेयम् क्रतोवत्, तो जो इस वैश्वानर की उपासना का श्रेष्ठत्व है, बलवत्व है उपासना का, उसी को ही प्रमाणत्वम विज्ञेयम्, प्रमाणत्व को उसी को श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में जानना चाहिए, क्रतुवत्। क्रतुवत् को आगे खोल रहे हैं, यथा ही दर्श पौर्ण मास आदिषु क्रतुषु, दर्श पौर्ण मास आदि जो क्रतु हैं, सांग प्रधान प्रयोगः ही अनुष्ठीयते, तो ये प्रधान अंग के रूप में स अंग प्रधान प्रयोग, अंग सहित जो प्रधान का प्रयोग, अर्थात ये तो अंग रूप है, अथवा ऐसे भी इसका अर्थ हो जाएगा कि जो दर्श पूर्णमास अपने आप में एक अंगी है, उसके किसी
एक अंग का अनुष्ठान करना उसको श्रेष्ठ नहीं माना है, बल्कि स अंग प्रधान प्रयोगो ही अनुष्ठीयते। अंग सहित जो प्रधान या संपूर्ण एक उपासना विधि है उसका प्रयोग ही अनुष्ठान करने के योग्य बताया है, न तो पृथक पृथक अंग प्रयोग, अलग अलग अंग के प्रयोग की उपासना को श्रेष्ठ नहीं माना। तद्वत अत्र अपि भूमनो अंगिनो वैश्वानरस्य एव उपासना कार्या न अंग भूतानाम। तो ऐसे ही क्रतुवत दर्श पौर्णमास याग आदि के समान ही यहाँ पर भी जो भूमना अंगीना जो विराट अंगी है विशाल अंगी है ऐसे ही उस वैश्वानर की उपासना कार्या करनी चाहिए, न अंग भूतानाम, वैश्वानर के एक एक अंग की उपासना नहीं करनी चाहिए। तथा ही दर्शयति, क्योंकि ऐसा ही श्रुति दिखाती है तो उसका प्रमाण दे रहे हैं। तदित्थम भूमना अंगिना वैश्वानरस्य ज्ञायस्त्वं प्रबलत्वं श्रुतिर्दर्शयति। उस अंगीभूत वैश्वानर का ज्ञायस्त्व और प्रबलत्व ही श्रुति दिखा रही है। कैसे? आत्मानमेव वैश्वानरं संप्रति अध्येषी तमेव नो ब्रूहि। जो खुद उपासना कर रहे थे ना अंगभूत वैश्वानर की, तो वो इनके पास जाकर के कहते हैं, अश्वपति के पास, कैकेय राज अश्वपति के पास जाकर कह रहे हैं, आत्मानम एव वैश्वानरम संप्रति अध्येषी। आजकल, संप्रति मतलब आजकल, आप आत्मानम एव वैश्वानरम अध्येषी, जो वैश्वानर ब्रह्म है उसको आजकल आप पढ़ रहे हैं, उसकी आजकल आप वैश्वानर विद्या का अध्ययन कर रहे हैं या आप उसका अनुष्ठान कर रहे हैं, तम एव नो ब्रूहि, तो हमें भी वही बताओ। हमने सुना है किसी से कि आजकल आप वैश्वानर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो वो वैश्वानर विद्या हमें भी बताओ। प्राचीन शालादयो अंगभूते वैश्वानर उपासने संतोषम अलभमानः ते अश्वपतिम गत्वा अपृच्छन्। तो बोले ये बात प्राचीन काल की है, और ये लोग कैसे हैं, शालादय, अच्छी शालाएं थी इनकी भी, तो शाला का मतलब स्कूल भी हो सकता है, गुरुकुल भी हो सकता है, मकान भी हो सकते हैं। यदि गृहस्थी थे तो इनके अच्छे धनवान लोग थे, घर आदि अच्छे थे, और यदि ये कहीं अध्ययन आदि कर रहे थे तो वो भी बहुत अच्छी शाला थी। नहीं, प्राचीन सर व्यक्ति का नाम है, उसको पांच व्यक्ति का नाम है, उस प्राचीन सर एक व्यक्ति का नाम है। नहीं, ये अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर वो ही बता रहे हैं, प्राचीन शालादयो अंगभूते वैश्वानर उपासने, जिनकी अच्छी शालाएं थी ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अंगभूत वैश्वानर की उपासना करने में संतोषम अलभमान, संतोष प्राप्त न करते हुए ते अश्वपतिम गत्वा अपृच्छन्, वो अश्वपति के पास जाकर उन्होंने पूछा, बहुवचन है ना ये, ते शाला, प्राचीन शालादयः, ऐसे है ना, ते आ गया ना, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। प्रत्युवाच अश्वपति ही, तो अश्वपति ने उनको उत्तर दिया, सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्से। बोले आप जिस वैश्वानर की पूजा कर रहे हैं वो तो सुतेज नाम का आत्मा है, परमात्मा है, एक अंग है वो उसका। मूर्धा तु एव एष आत्मन इति होवाच। ये जो वैश्वानर पुरुष है, ब्रह्म है, उसकी केवल ये मूर्धा है जिसकी आप उपासना कर रहे हो। मूर्धा ते व्यपतिष्यत् यन यन माम न आगमिष्य। तेरी मूर्धा गिर जाती यदि मेरे पास नहीं आता तो। मूर्धा गिरने का मतलब है कि जो अल्प का उपासक होगा तो कहीं ना कहीं फिर उसकी बेइज्जती हो जाएगी ना, तो वो ही मूर्धा गिरना है। अगर आप केवल एक अंग की उपासना कर रहे होते और फिर आप कहीं जा करके कहते कि मैं तो आजकल वैश्वानर ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ, और फिर कोई आपसे पूछते तो आप केवल एक ही अंग का उपदेश देते, तो फिर वो लोग आपको अल्पज्ञ मान करके आपका
उपहास करते तो फिर आपकी मूर्धा गिर जाती। तो अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गई, ये कह रही हैं। मूर्धा ते व्यपतिष्यत यन्माम न आगमिष्य इति अंग उपासनायाम दोषम प्रदर्श अंगिनो भूमनो वैश्वानरस्य उपासनाम तन्महत्वम च दर्शयति। तो कह रहे हैं इस प्रकार उनको, यहाँ तो एक का उदाहरण दिया है, ऐसे सभी को ही अंग उपासना में दोष दिखा करके, और जो अंगीभूत भूमन जो विराट है उस भूमा की, भूमा वैश्वानर की उपासना का महत्व उसको बताया गया है वहां पर। स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति। वहां पर यह बताया कि जो इस संपूर्ण वैश्वानर की भूमा रूप में उपासना करता है तो वो सर्वेषु लोकेषु सब लोकों में और सब भूतों में, सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु सब आत्माओं में अन्नम अत्ति, माने किसी भी भोग को भोगने का अधिकारी बन जाता है, सब भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। इति यत किंच अंग फलम तद अंगिनी अंतर्भूतम। तो बोलिए दूसरी दृष्टि से भी यदि देखें तो ये जो कुछ भी अंगभूत उपासनाएं हैं तो ये अंगिनी के अंतर्भूत ही आ जाते हैं। पुनः ततोपि अधिकम फलम संपद्यते, तो अंग का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और उससे अधिक अंगी की उपासना करेंगे तो कई गुना ज्यादा अधिक फल मिलेगा। तस्माद् अंगिनो भूमनो वैश्वानरस्य उपासना श्रेष्ठा। तो इसलिए जो अंगीभूत है, जो भूमा है, जो विराट है, ऐसे वैश्वानर की उपासना करना ही श्रेष्ठ है। तो जो उपासना करने वाले लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं ना, एक तो कोई लौकिक कामनाओं को लेकर के उपासना करते हैं तो तब तो उनको अंगभूत की ही करनी चाहिए, लेकिन जिनको मोक्ष प्राप्त करना है या अज्ञान का नाश करना है और इस हेतु से जो उपासना कर रहे हैं तो उनको फिर कूप मंडूक जैसे नहीं होना चाहिए, उनको फिर एक विराट हृदय और विराट विचार ही रखना चाहिए। ये इस वर्णन से स्पष्ट हो रहा है। यासु ही खलु उपासनासु गुण कर्मणो उपसंहार व्यतिहारौ उक्तौ ताह खलु भिन्न भिन्ना भिन्न भिन्नौ एक रूपा इत्यत्र उच्यते। बोले जिन उपासनाओं के गुण कर्म का उपसंहार और व्यतिहार यहाँ ऊपर बताया है, गुणों का भी और कर्म का भी, उपासना में पहले उसके गुणों का, धर्म का उपसंहार बताया, बाद में कर्म का बताया। ताखलु तो वो सारी उपासनाएं भिन्ना भिन्ना वा एक रूपा वा, तो वो सब भिन्न भिन्न रूप वाली हैं या एक ही रूप वाली हैं, तो ये पूछ रहे हैं ये यहाँ पर। तो उत्तर दे रहे हैं नाना शब्दादि भेदात। करें नहीं, उपासना तो वो भिन्न भिन्न है, कोई छांदोग्य में बताई है, कोई बृहदारण्यक में, कोई तैत्तिरीयारण्यक में, तो अलग अलग उपासनाएं बताई हैं तो भिन्न भिन्न, लेकिन भिन्न भिन्न होते हुए भी एक भी है, लेकिन यहाँ पर उनका भेद दिखा रहे हैं नाना शब्दादि भेदात, क्योंकि अलग अलग शब्द का आश्रय लेकर के वो उपासनाएं बताई गई हैं, इसलिए उनमें भिन्नता है, भेद है। शब्दादि भेदात नाना, शब्दादि का भेद होने से वो एक नहीं है, सभी उपासनाएं अलग अलग हैं। शांत उपासित मनोमय प्राण शरीरे भारूप एतद् ब्रह्म एतम् इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति। यस्य स्याद् अद्धा नय विचिकित्सा इति इति हस्माह सांडिल्यः। तो यहाँ पर पहले शांडिल्य उपासना के बारे में बता रहे हैं, ये सांडिल्य उपासना है। तो ये कैसे करते हैं, शांतः उपासितः, शांत होकर के उपासना करते हैं और शांति की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, तो प्रयोजन अलग हो गया ना। शांतः उपासितः मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः। तो तब ये कैसे हो जाते हैं, मनोमयः
मनन से योग्य, प्राण शरीर, प्राण शरीर और भारूप ज्योति स्वरूप, एतद् ब्रह्म एतम् इतः, तो ऐसे उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये कैसे ब्रह्म की, जो शांत है, जो मनोमय है, प्राण ही जिसका शरीर है माने प्राण स्वरूप और भारूप ज्योति स्वरूप, ऐसे उस ब्रह्म को ये सांडिल्य विद्या वाले उपासना करते हैं, उपासित। और फिर क्या कहते हैं उसके बारे में, एतद् ब्रह्म, ये जो मैंने प्राप्त कर लिया ये ही ब्रह्म है, जो शांत स्वरूप है, जो विवेक वाला है, जो प्राण शरीर है, जो भारूप है, एतद् ब्रह्म। एतम् इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, और यहां से जाकर के मैं इसी ही ब्रह्म रूप वाला हो जाऊंगा, इस ब्रह्म को ही मैं प्राप्त कर लूंगा। इतः प्रेत्य, यहां से जाकर के माने इस शरीर के छूटने के बाद, ब्रह्म एतम् अभिसंभवितास्मि इति, मैं इस ब्रह्म के स्वरूप वाला ही हो जाऊंगा, ऐसा उनको विश्वास है। यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सास्ति इति, और कह रहे हैं जिसको प्राप्त करके अद्धा निश्चित रूप से न विचिकित्सा अस्ति इति, माने उसको कोई शोक, कोई संदेह, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है उस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद। इति स्माह शांडिल्य, ऐसे शांडिल्य बोलते हैं, शांडिल्य उपासना करने वाले ये कहते हैं कि भाई इस ब्रह्म के इस रूप की उपासना हम करते हैं, और ये शरीर छूटने के बाद हम उस ही ब्रह्म के इस स्वरूप वाले ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे, इसमें हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अद्धा मतलब निश्चित रूप से, उसमें आया है ना वागाम्भृणी सूक्त में, नहीं नासदीय सूक्त में, को अद्धा वे एद किमा वरीह कुहकस्य शर्मन्नंभ, तो वहां पर को अद्धा वेद, कौन निश्चित रूप से जान सकता है, किम आसीत, पहले क्या था, कहां से हम आए हैं, तो यहां पर है कि निश्चित रूप से वो फिर दुखी नहीं होता है। अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति, उसको कोई विचिकित्सा नहीं होती, उसको कोई दुख नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता है शांडिल्य विद्या को जानने वाले के बाद। इति शांडिल्य उपासना विद्या, अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यद अन्तः तद् अन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यं इति, एष आत्मा अपहत पापमा सत्यकामः सत्यसंकल्पः, अथ यः इह आत्मानं अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। ये दूसरी विधि है उपासना की। ये कौन सी विधि है, ये है दहर उपासना। अथ यद इदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ये ब्रह्मपुर हो गया शरीर, इसमें दहरम पुंडरीकम, कमल के आकार का एक वो है, दहर है, आकाश है, वेश्म एक घर है, और उस घर में भी दहरो अस्मिन् अंतर आकाश, उस घर में वेश्म में भी एक अंतर आकाश खाली जगह है। तस्मिन् यद अंतः, और उस आकाश में जो रहता है, तद अन्वेष्टव्यम, उसको खोजना चाहिए, तद वाव विजिज्ञासितव, निश्चित रूप से उसको जानना चाहिए, और वहां पर जो है जिसको जानना चाहिए वो कौन है, एष आत्मा अपहत पापमा, वो अपहत पापमा है, पाप नष्ट हो गए हैं जिसके, ऐसा है वो सत्य काम है, जिसकी कामनाएं सत्य हैं, सृष्टि आदि की रचना करता है ये कामनाएं तो है ही उसकी, सत्य संकल्प है, उसके संकल्प सत्य हैं। अथ य इह आत्मानम अनुविद्य, तो इस प्रकार अपने इस रूप को जान करके जो व्रजति या व्रजन्ति, जो यहाँ से जाते हैं, एतांश्च सत्यान कामाः तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, तो वो उसको जानते हैं, और एतांश्च सत्यान कामान, और इन सच्ची कामनाओं को जानते हैं, उस दहर में रहने वाले, खुले आकाश में रहने वाले ब्रह्म को जानते हैं, और उस ब्रह्म की इन सत्य कामनाओं को जो जानते हैं,
तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, तो उनका कहीं काम अटकता नहीं है, सब जगह बिना किसी विघ्न के आना जाना हो जाता है। इति दहर उपासना विद्या, ये दहर उपासना विद्या है। इत्येवं आद्या उपासना विद्या शब्दादि भेदात उपासित विजिज्ञासते, तो ये जो विद्याएं हैं तो अलग अलग नामों से है ना ये, तो इसलिए इनका स्वरूप अलग अलग है। इति आदि शब्द भेदात आदि कथनेन तदर्थ भेदाद अनुष्ठान भेदात, अर्थ का भेद होने से अनुष्ठान का भी भेद होगा। अर्थ का मतलब प्रयोजन, क्योंकि सबके शब्द अलग अलग हैं, सबके प्रयोजन अलग अलग हैं, तो उनके अनुष्ठान का भी तो भेद ही होगा ना। और फल भेदाच, अनुष्ठान का भेद है तो फल का भी भेद होगा। तो नाना भिन्ना भिन्ना एव विज्ञेया, तो ये उपासनाएं भिन्न भिन्न है ऐसा ही मानना चाहिए। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज ही विराम लेते हैं। ओम शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।